यूपी में डीएचपी यानी डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी कोर्स के छात्रों की छात्रवृत्ति और फीस में 47.64 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड की जांच में इसका खुलासा होने पर संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार ने लखनऊ के वजीरगंज कोतवाली में FIR दर्ज कराई। होम्योपैथिक के निजी संस्थानों में फीस और छात्रवृत्ति में खेल की शिकायत पर समाज कल्याण विभाग के निदेशक ने जांच के आदेश दिए थे। आपको बता दें कि जांच में खुलासा हुआ कि 2 संविदा कर्मी और 38 फर्जी संस्थानों के प्रबंधकों ने मिलकर 47.64 करोड़ की फीस और छात्रवृत्ति घोटाला किया है। वहीं संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार ने तहरीर में बताया कि 2019-20, 20-21 और 21-22 में निजी शिक्षण संस्थानों में चल रहे DHP कोर्स के छात्रों की छात्रवृत्ति में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। वहीं निदेशक ने जांच के बाद तीनों सालों में हुए 47.64 करोड़ रुपए के गबन की रिपोर्ट 12 जुलाई को उन्हें सौंप दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।